हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स का थर्ड वीडियो मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ। नेबरहुड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो आज का जो वीडियो बेस्ड है वो बेस्ड है ओपन सेट्स पे। ओपन सेट्स क्या होता है वो देखेंगे, थ्योरम और न्यूमेरिकल कुछ उस पर बेस्ड मैं कराऊँगा। तो नेबरहुड की वीडियोस जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर। ए क्या है? एक रियल नंबर का सबसेट है। देन ए इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। नेबरहुड की बात करते हैं, जो पहले के वीडियोज़ में भी हम देख चुके हैं। किसी भी सेट एन को हम किसी पॉइंट ए का नेबरहुड कब बोल रहे थे? जब ये जो n सेट है इसके अंदर आपको एक ओपन सेट मिलना चाहिए, इसके अंदर a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, और ये जो ओपन इंटरवल है वो a को कंटेन अगर कर रहा है, तो उस केस में हमने ये n जो इंटरवल था इसको हमने a का क्या बोला था? नेबरहुड बोला था। प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो ओपन इंटरवल होता है वो ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट्स का क्या होता है? नेबरहुड होता है। क्लोज्ड इंटरवल में ऐसा नहीं था। तो कोई भी ऐसा सबसेट रियल नंबर्स का, कोई भी ऐसा रियल नंबर का सबसेट जो अपने हर एक पॉइंट का, यानी कि उसके अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स का अगर वो सेट नेबरहुड है, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सेट बोलेंगे। तो क्योंकि ओपन इंटरवल जो होता है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो इसका मतलब ये जो ओपन इंटरवल है तो ये ओपन सेट का भी काम करेगा यहाँ पे। इसके अलावा भी ओपन सेट हो सकते हैं। तो ओपन सेट एक सिंपल एग्जांपल जो आप याद रख सकते हैं इजीली, वो ये ओपन इंटरवल कोई भी आप ले लीजिए, जैसे 1,2 का ले लिया, तो ये ओपन सेट की तरह वर्क करेगा यहाँ पे। तो ओपन सेट क्या है? एक ऐसा सेट जो अपने हर एक पॉइंट्स का क्या है? नेबरहुड है। तो उस केस में उस सेट को हम क्या बोलेंगे? ओपन सेट। इट मे बी एन इंटरवल, कोई भी इंटरवल भी हो सकता है। रियल नंबर्स के केस में देखा था, रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर्स का पूरा कलेक्शन अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड आ रहा था, तो इसका मतलब वो रियल नंबर्स का कलेक्शन क्या है? ओपन सेट की तरह भी वर्क करेगा, उसको हम ओपन सेट भी बोल सकते हैं। तो ये बात हो गई ओपन सेट की। आइए अब इस पे बेस्ड थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टीज़ जो बताई थी वो प्रॉपर्टीज़ में बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो नल सेट है इसको भी हम क्या बोलते हैं? ओपन सेट बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखना, नल सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई क्या होता है? ओपन सेट होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे रियल नंबर्स का कलेक्शन भी क्या है? एक ओपन सेट है। जैसे क्लोज इंटरवल ए कोमा बी मैंने लिया, एक ये इंटरवल लिया, एक ये इंटरवल लिया और एक ये इंटरवल लिया, और हमसे कहा जाए कि इसमें बताइए कि कौन कौन से सेट ओपन सेट हैं। ये क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल जो हमको दिया है वो क्लोज इंटरवल क्या होता है? अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, लेकिन जो उसके एंड पॉइंट्स थे उनका वो नेबरहुड नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं होगा। ये इस साइड से क्लोज है, यानी कि ये ए का नेबरहुड नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट्स का तो नेबरहुड होगा, तो इसको भी हम ओपन सेट नहीं बोलेंगे। ये ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो ये ओपन सेट की तरह वर्क करेगा, और ये भी ओपन सेट यहाँ पे नहीं होगा। तो थर्ड वाला ओपन सेट है, बाकी सारे ओपन सेट नहीं है। फाइव ओपन सेट होता है, मैंने आपको बता दिया। ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, तो अगर नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन आपको दिया जाए तो वो नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो ओपन सेट नहीं होगा, क्योंकि वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। थ्योरम स्टार्ट करते हैं। द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। ये थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक 1,2 का इंटरवल लिया, एक 3,4 का इंटरवल लिया, ये ओपन इंटरवल है, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। इसका यूनियन अगर हम लें
तो वो जो नया इंटरवल फॉर्म हो रहा है वो भी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, और अपने हर एक पॉइंट का अगर ये नेबरहुड है तो ये ओपन सेट हो जाएगा न्यूमेरिकली, हमने ये बड़े इजीली समझ सकते हैं हम इसको। प्रूफ में देखिए आप थ्योरम के, हम ये मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू ओपन सेट्स, और इन दोनों का यूनियन हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ इनका यूनियन हम मान लेते हैं एस एस इक्वल टू ए यूनियन बी इज ऑल्सो ओपन। ये प्रूफ करना है, कोई भी सेट ओपन कब होता है जब वो अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है नेबरहुड होता है। हमने जो प्रीवियस वीडियोस किए थे उसमें एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर एन ए का नेबरहुड है तो एन को कंटेन करने वाले जितने भी सेट्स होंगे जो एन के सुपर सेट हैं वो भी इसके लिए किसका काम करेंगे, नेबरहुड का। प्रीवियस वीडियोज में आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इस प्रूफ किया हुआ है। हम ये मान लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी कि ए यूनियन बी का हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स। तो एक्स अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब दो सेट्स के यूनियन में कोई भी एलिमेंट कब आता है, जब एटलीस्ट एक दोनों में से एक में होना चाहिए। तो या तो एक्स ए में होगा या फिर एक्स किस में होगा, बी में होगा। एक ऐसा सेट है ओपन सेट है, और ओपन सेट जो होता है वो अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है नेबरहुड होता है। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा इज नेबरहुड ऑफ एक्स, इसी तरीके से बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, दोनों में से एक कंडीशन तो होल्ड होगी ही होगी यहाँ पे। अब आपको पता है कि कोई भी दो सेट्स का यूनियन, ए यूनियन बी और ए की बात करें तो ये वाली कंडीशन इसमें होल्ड होगी, और ऐसे बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। ए किसका नेबरहुड है, एक्स का, और किसी भी सेट का जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई जो पिछले वीडियोस में हम प्रूफ भी कर चुके हैं, ये ए यूनियन बी ए का क्या है, सुपर सेट है। अगर ए एक्स का नेबरहुड है तो ए यूनियन बी भी क्या हो जाएगा, एक्स का नेबरहुड, जो प्रॉपर्टी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि कोई भी सेट अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो उसके जितने भी सुपर सेट होंगे वो भी उसके नेबरहुड होंगे, उस पॉइंट के नेबरहुड होंगे। तो ए एक्स का नेबरहुड है और ए यूनियन बी ए का क्या है, सुपर सेट है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, या फिर ये सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो जाती है, तो बी का ये सुपर सेट है तो ए यूनियन बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स। और ए यूनियन बी का मतलब क्या है, एस ए यूनियन बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर एक्स की बात करें हम, तो एक्स हमने एक जनरल एलिमेंट लिया हुआ है, एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया हुआ है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी के जितने एलिमेंट्स हम लेते जाएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे उसके लिए ए यूनियन बी किसका काम करेगा, नेबरहुड का काम करेगा। इसका मतलब ए यूनियन बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स इसमें आएंगे उन सबका ये नेबरहुड होगा। और अगर कोई भी सेट अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है तो वो सेट क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा ओपन सेट, जैसा कि मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया। तो इट मीन्स द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। अब इसी थ्योरम को अगर हम आगे एक्सटेंड करें, यहाँ पे टू की जगह पे आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट, जैसे मैंने दो के लिए आपको ये प्रूफ करके दिखाया है, आप उसी तरीके से आर्बिट्रेरी फैमिली का मतलब दो से ज़्यादा ओपन सेट्स होंगे, उन सारे ओपन सेट्स का आपको यूनियन क्या प्रूफ करना है, फिर से ओपन प्रूफ करना है। तो इसी तरीके से आप, मैंने दो सेट्स लिए थे, आप दो से ज़्यादा सेट्स लेकर के बड़े ईजिली इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इस थ्योरम का आप प्रूफ ट्राई करें बिल्कुल इसी तरीके से सिमेट्रिकली। ये तो बात हो गई यूनियन की, न्यूमेरिकल में स्टार्ट करता हूँ। आगे की थ्योरम्स जो ओपन सेट्स पे हैं वो हम ये भी प्रूफ करेंगे कि दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम न्यूमेरिकल देखते हैं ओपन सेट का, कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ
फर्स्ट पार्ट है एन ओपन सेट विच इज नॉट एन इंटरवल, एन ओपन सेट विच इज नॉट एन इंटरवल। मैंने आपको भी बताया कि जो ओपन इंटरवल है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। अगर ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है तो वो तो ओपन सेट था ही, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया। लेकिन यहाँ पे आपको ओपन सेट बताना है लेकिन वो इंटरवल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है, आप दिमाग लगाइए। जैसे मैं 1.2 और 3.4, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है तो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, तो उसका मतलब ये कैसा सेट हो गया, ओपन सेट हो गया। ये भी ओपन सेट हो गया। 1.2 और 3.4 दोनों क्या हैं, ओपन सेट हैं। अब अगर इनका मैं यूनियन ले लूं, 1.2 यूनियन 3.4, अब ये जो यूनियन है ये दो इंटरवल का क्या है, यूनियन है। तो दो इंटरवल का जो यूनियन है उसको आप इंटरवल नहीं बोलोगे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली नहीं आ रहा है, कंटिन्यूस इंटरवल के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो ये ओपन सेट तो हो जाएगा अभी भी, बट नॉट एन इंटरवल, नॉट एन इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो ओपन सेट का आपको एक ऐसा ओपन सेट बताना था जो इंटरवल नहीं हो। तो ओपन इंटरवल की बात करें तो ये दोनों ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं, लेकिन इनका जब हम यूनियन करेंगे तो एक कंप्लीट इंटरवल के फॉर्म में ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इंटरवल नहीं है। लेकिन ओपन सेट्स का यूनियन ओपन सेट होता है, अभी हमने प्रूफ किया था, तो ये ओपन सेट तो हो जाएगा लेकिन इंटरवल नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और दूसरा पार्ट है इसका, एन इंटरवल विच इज नॉट ओपन। अब आपको एक ऐसा इंटरवल बताना है जो ओपन सेट ना हो। ये तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल अभी बता दिए थे, जैसे क्लोज इंटरवल 1.2, ये 1 और 2 का नेबरहुड नहीं होगा तो ये ओपन सेट नहीं होगा। ऐसे ही 1.2 ये भी लिख सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, अ सेट विच इज नीदर, अ सेट विच इज नीदर एन इंटरवल नॉर एन ओपन सेट, एन इंटरवल नॉर एन ओपन सेट। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो ना तो एक इंटरवल हो और ना ही ओपन सेट हो। ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप याद करें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो ना तो इंटरवल फॉर्म करेगा और ना ही ओपन सेट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता था, और नेबरहुड ही नहीं है तो फिर वो ओपन सेट भी नहीं होगा। तो ये हमने क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ सुपर सेट ऑफ एन ओपन सेट ओपन। आपको ये बताना है कि क्या किसी भी ओपन सेट का जो सुपर सेट होगा क्या वो भी ओपन सेट होगा या नहीं होगा। हमने देखा था कि नेबरहुड सिस्टम में देखा था कि किसी भी नेबरहुड का अगर हम सुपर सेट ले रहे थे वो भी नेबरहुड की तरह वर्क कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ जैसे 3.4, ये क्या है, ओपन सेट है, क्योंकि ओपन इंटरवल जो होता है अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो ये ओपन सेट तो है। अब इसका हम सुपर सेट लेते हैं, 3.4 का हम सुपर सेट ले लेते हैं, सपोज 2.5, ये सुपर सेट है इसका। लेकिन ये क्लोज सेट है, और क्लोज सेट है तो ना तो ये 2 का नेबरहुड है और ना ही 5 का नेबरहुड है, तो इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं है। और ओपन सेट नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है
कि किसी भी ओपन सेट का सुपर सेट ओपन सेट ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे होने का एग्जांपल अगर आप देखें तो 3.4 का सुपर सेट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस केस में ओपन हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ओपन सेट का जो सुपर सेट है वो भी ओपन हो जाए। ये हमने यहाँ पे देखा न्यूमेरिकली, एज अ सबसेट ऑफ ओपन सेट ओपन, एज अ सबसेट ऑफ ओपन सेट ओपन, ये आपको बताना है यहाँ पे। ओपन सेट का कोई भी सबसेट अगर आप ले रहे हैं तो क्या वो भी ओपन सेट होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 0.3 लिया, ये ओपन सेट होगा क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ओपन सेट होगा ही। इसका सबसेट देखिए कोई, जैसे मैंने इसका सबसेट ले लिया 1.2 का क्लोज इंटरवल, तो ये जो सबसेट है क्या ये भी ओपन होगा? क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो ओपन नहीं होगा, और ओपन नहीं होगा तो इसका मतलब ये कंडीशन भी ऑलवेज ट्रू नहीं होगी। कभी कभी सही हो सकती है, कभी कभी गलत होगी, ऑलवेज हमेशा सही नहीं होगी ये कंडीशन। तो स्टूडेंट्स, ओपन सेट के बारे में हमने देखा, ओपन सेट की मैंने थ्योरम आपको बताई कि दो ओपन सेट का यूनियन भी ओपन सेट होता है, और आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट भी क्या होती है, ओपन सेट होती है, और कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा ओपन सेट पे ही रहेगा, कुछ थ्योरम जो मैंने आप जैसा कि आपको अभी बताया कि इंटरसेक्शन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।